जिंदगी में बहुत परेशानियां हैं, कमी नहीं हो रही, सब कुछ करके देख लिया। कभी मेरी शरण में आए, कभी पंडितों के पास गए कि कौन से ग्रह भारी हैं, कौन से उपाय किए जाए जिनसे जिंदगी बदल जाए। सारे उपाय कर लिए पर कोई बदलाव ही नहीं आया। क्या तुमने गौर से अपने अंदर देखा है? कहीं तुम्हारे स्वभाव की वजह से तो तनाव नहीं है जो तुम्हारे अंदर क्रोध, लालच, ईर्ष्या, भेदभाव, अनुचित कामनाएं हैं और जो मोह है, कभी उनको कुचलने की जरूरत तो नहीं? क्योंकि इन सब से हर संबंध में जहर घुल जाता है, जीवन शैली जहरीली हो जाती है। तुम्हें अपना कृष्ण रूपी सारथी खुद बनना पड़ेगा। यही जीवन का सार है। संघर्ष है तो जीवन है, संघर्ष है तो जीवित होने का एहसास है। संघर्षों से युद्ध करना पड़ता है। बुद्धि और बल प्रभु देते हैं, तुम्हें प्रभु संकेत देते हैं कि तुम गलत जा रहे हो। तुम्हारी आत्मा तुम्हें कहती है पर तुम नजरअंदाज कर देते हो, समझने की कोशिश ही नहीं करते। आसान रास्ता अपनाना चाहते हो जिससे सब कुछ ठीक हो जाए। तुम परिस्थितियों से घबरा जाते हो। कई कारण हैं इसके, परिश्रम की कमी, लक्ष्य तक जाने का मार्ग गलत चुन लेना, अपने व्यक्तित्व और प्रतिभा के विपरीत लक्ष्य चुनना। जैसे गलत गाड़ी पर बैठ जाओ तो गलत मंजिल पर पहुंचोगे, मंजिल नहीं मिलेगी। संघर्ष भी तभी सही फलता है जब अपने लक्ष्य और मार्ग दोनों उचित हों। जब मन में भय हो और अविश्वास हो तो मेरे बच्चे लक्ष्य धुंधला नजर आता है, निशाना कैसे लगेगा? गुरु तुम्हें आशीर्वाद देते हैं जब तुम्हारे अंदर मेहनत करने की शक्ति होती है, जब तुम सही रास्ते पर चल रहे होते हो। आलसी को कोई सारथी नहीं बनना चाहता, प्रभु भी नहीं।